आज हम आपको 9 प्लस में टेक्निकल आर्ट में लाइन एंड एंगल, रेखा तथा कोण, इसके विषय में बताएंगे। सबसे पहले रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं को, एक बिंदु और दो बिंदु, दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली दूरी को रेखा कहते हैं। ये आपकी रेखा बैठक होती है। अब ये कोण के ऊपर, कोण दो सरल रेखाएं हैं, जैसे एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो दो सरल रेखाएं, एक और दो, दोनों सरल रेखाएं इसी बिंदु पर मिलती हैं। ये आपका ए बी और ये सी बिंदु, तो ए बिंदु पर ये रेखा ए सी और ए बी रेखा ए बिंदु पर मिलती है, तो ये ए बिंदु इन दोनों रेखाओं को कोण में बदलता है। अर्थात दो रेखाएं जब किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो वो कोण कहलाता है, और ये सी ए बी एक कोण कहलाएगा। ए सी और ए बी ये दो भुजाएं हैं कोण की। ये कोण की दो भुजाएं हैं। जब दो भुजाएं किसी बिंदु पर मिलता है, ये बिंदु है, इस बिंदु पर मिलता है, तो ये एक कोण बनता है। बात आती है शीर्ष कोण की। ये कोण जो है, कोण ए इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाला ए बिंदु है, तो ए बिंदु ही इस कोण का शीर्ष कोण होगा। ए बिंदु कोण का शीर्ष कोण होगा। इसके बाद आती है कोणों के प्रकार। कोण पांच प्रकार के होते हैं। नंबर एक समकोण, दो रेखाएं जैसे पहली रेखा ए बी, और यदि ये रेखा इसके लंबवत जाती है, सी बिंदु मान लीजिए, और ये जो बना हुआ कोण होगा इसका, ये 90 डिग्री का कोण होगा। इस प्रकार ये समकोण कहलाएगा। आगे दूसरा कोण न्यून कोण। मान लीजिए ये रेखा है ए बी, और इस पर एक 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। इस 90 डिग्री के कोण से यदि कोई कम डिग्री का कोण बना हुआ, तो यहां पर ये इसका शीर्ष कोण होगा ए बिंदु, डी ए बी ये न्यून कोण कहलाएगा। अर्थात 90 डिग्री से जितने भी कोण कम के होंगे वो सभी कोण न्यून कोण कहलाते हैं। 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। तीसरा कोण अधिक कोण। यदि एक रेखा ए बी और इस पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, लेकिन इस पर 100 डिग्री या 110 डिग्री का कोण बन जाता है, बनाते हैं, तो ये जो कोण होगा, ये कोण
अधिक कोण कहलाएगा। यानी 90 डिग्री से ज्यादा का कोण होगा तो अधिक कोण कहलाता है। सरल कोण चौथा कोण है, चौथा कोण सरल कोण। यदि एक बिंदु है और यहां से ये रेखा और यहां से ये रेखा, ये सरल रेखा कहलाती है और ये इसका शीर्ष कहलाएगा। ये कोण यदि 90 डिग्री का है, ये कोण यदि 90 डिग्री का है और ये कोण भी 90 डिग्री का होगा तो 90 और 90 बराबर 180 डिग्री, अर्थात एक सरल रेखा में जो कोण बनता है वो सरल कोण कहलाता है और वह 180 डिग्री का होगा। ये कोण जो है 180 डिग्री का कहलाएगा। यहां से यहां तक ये सीधा कोण, ये सरल कोण कहलाता है, 180 डिग्री का कोण कहलाएगा। इसके बाद आता है वृहत कोण। वृहत कोण ये कोण एबी रेखा है, एबी रेखा पर 90 डिग्री का कोण हमने बना लिया। और यहां तक हम यदि और कोण बनाएंगे तो एक सरल कोण बन जाएगा, 180 डिग्री का होगा। लेकिन यदि हम इससे बाहर यहां पर जाएंगे और ये कोण बनाएंगे तो ये कोण यहां से यहां तक जो कहलाएगा वह तो कोण कहलाएगा, वृहत कोण। ये कोण जो कहलाएगा वृहत कोण कहलाएगा। तो कोण के पांच भाग होते हैं। पहला समकोण, जो 90 डिग्री का कोण होता है, ना 90 से कम का ना 90 से ज्यादा का। न्यून कोण दूसरा कोण, जो 90 डिग्री से कम का होगा वो न्यून कोण कहलाएगा। तीसरा है अधिक कोण, जो 90 डिग्री से ज्यादा का होगा, 90 से ज्यादा 100 का, 120 का, 110 का, 130 का, जितने डिग्री का 90 से ज्यादा का होगा वो कोण अधिक कोण कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार ये सरल कोण, ये 180 डिग्री का कोण कहलाता है जो कि एक सरल रेखा में होता है। चौथा कोण, पांचवा कोण वृहत कोण, जो 180 डिग्री से भी 360 डिग्री तक के कोण, 180 डिग्री से 90 से और 360 तक, ये सभी कोण 360 डिग्री यानी 90 से नीचे वाले जितने भी कोण होंगे ये सब वृहत कोण कहलाते हैं। तो आज हमने आपको रेखा और कोण, कोण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा कोण कितने डिग्री का होता है, किस प्रकार से बनता है, क्या कहलाता है, इन पांचों कोणों के विषय में हमने आज बताया है। आगे आने वाली वीडियो पर हम आपको त्रिभुज के विषय में बताएंगे, त्रिभुज किसे कहते हैं। लेकिन ये पांचों प्रकार के कोण होमवर्क के रूप में अपनी कॉपी में बना करके लाएंगे और हमें दिखाएंगे।